हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ अमित सैनी। स्वागत है आपका साड्डा फूड अड्डा में, जहाँ मैं आपके लिए टेस्टी रेसिपीज़ लेकर आता रहता हूँ। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कद्दू की सब्ज़ी, बिल्कुल भंडारे वाली, एकदम जो चटपटी खट्टी मीठी होती है ना, वो वाली लेकर आया हूँ। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई चढ़ा देंगे। अब इसमें डालेंगे हम 3 चम्मच तेल। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब ये मैंने मेथी दाना लिया है, 1 चम्मच मैं डालूंगा इसमें मेथी दाना। कद्दू में हम जो छोंक लगाते हैं वो मेथी दाने से ही लगाते हैं, जीरे का यूज़ इसमें हम नहीं करते हैं। और ये मैंने ली है 2 से 3 साबुत लाल मिर्च, वो भी डाल दी हैं। अब इसमें डालेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट, ये मैंने घर पे ही बनाया था। अब इनको थोड़ा सा हम भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम प्याज, ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने ली थी, इनको चॉप कर लिया था। अब प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भूनते रहेंगे लगातार चलाते हुए। और दोस्तों, कद्दू जो है हमें लोहे की कढ़ाई में ही बनाना है। लोहे की कढ़ाई में कद्दू बनाने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। देखिए, प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर, ये हमने टमाटर की प्यूरी बना ली थी और इसी में ही हमने हरी मिर्च को भी जो है प्यूरी में ही पीस लिया था। 2 हरी मिर्च ली थी मैंने और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर की प्यूरी बनाई थी। अब टमाटर को हम मिक्स कर देंगे प्याज के साथ और इसको हम भूनने देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। 1 से 2 मिनट हमारे हो गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे नमक, नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। और नमक डाल करके हम टमाटर के साथ मिक्स करके अब इसको 1 से 2 मिनट के लिए और हमें अच्छे से हाई फ्लेम पे इसको भूनना है, जब तक टमाटर हमारे थोड़े सॉफ्ट नहीं हो जाते। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं अच्छे से। आइए इसमें मसाले डालना शुरू करते हैं। ये मैंने हल्दी ली है, 1/2 चम्मच डालेंगे हल्दी। ये मैंने ली है लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। और ये मैंने ली है कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 चम्मच डालेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च से कद्दू की सब्ज़ी का कलर बहुत ही अच्छा आता है। अब मसाले डाल करके हम इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे और 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे हम इनको भून लेंगे, जिससे मसालों का कच्चापन चला जाए। मसाले हमारे भून करके बिल्कुल रेडी हैं। आइए अब इसमें कद्दू डालते हैं। ये मैंने 1 किलो कद्दू लिया था, इसको मैंने छोटे छोटे साइज़ में काट लिया है। अब इसको डाल देंगे हम और कद्दू डाल करके हम इसको हम मसाले के साथ अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। और एक चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है, कद्दू की सब्ज़ी बनाते समय आपको पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि कद्दू जब पकने लगेगा तो पानी ये ऑटोमेटिकली छोड़ देता है, इसलिए आपको पानी यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कद्दू को हमने मिक्स कर दिया अच्छे से मसाले के साथ। अब इसको हम 10 मिनट के लिए प्लेट ढक कर के पकाएंगे और हमें फ्लेम जो है गैस का वो लो रखना है, हाई बिल्कुल भी नहीं करना है। 10 मिनट हमारे हो गए हैं, आइए देख लेते हैं। बीच बीच में आपको इसको करछी की सहायता से चलाते रहना है ताकि कद्दू जो है कढ़ाई की तली में ना लग जाए। आइए अब इसमें हम चीनी डालेंगे। ये मैंने 150 ग्राम चीनी ली है, वो मैंने इसमें डाल दी है। अगर आपको कम मीठा पसंद हो तो आप कम भी यूज़ कर सकते हैं चीनी, 100 ग्राम ले सकते हैं अगर आपको ज़्यादा मीठा नहीं पसंद है तो। चीनी हमने मिक्स कर दी है, अब इसको हम 10 मिनट के लिए और पकाएंगे। मिनट हमारे हो गए हैं, आइए चेक कर लेते हैं। देखिए, चीनी हमारी मेल्ट हो गई है। अब चीनी को हमें कद्दू के साथ मिक्स कर देंगे अच्छे से। देखिए, कद्दू हमारा ऑलमोस्ट बन करके बिल्कुल रेडी है। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है देखने में भी, कलर भी एकदम अच्छा आया है। अब कद्दू को हमें मैश करना है। मैश करने के लिए आप या तो करछी जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ ऐसे कर लें, बाकी अगर आपके पास मैश करने का कुछ और हो तो उससे भी मैश कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे हम गरम मसाला, 1/2 चम्मच गरम मसाला लिया मैंने, वो इसमें डाल दिया है। अब गरम मसाले को अब हम कद्दू के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। और गरम मसाला हमें लास्ट में ही डालना है, जब कद्दू हमारा बनने वाला हो, सब्ज़ी हमारी बनने वाली हो तभी डालें, उससे जो है कद्दू का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। इसको हम 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ढक करके फिर से पका लेंगे। देखिए, सब्ज़ी हमारी बन करके बिल्कुल रेडी है। अब इसको हमें चलाते रहना लगातार और हाई फ्लेम कर लेनी है और 1 से 2 मिनट के लिए लगातार भूनना है। देखिए, सब्ज़ी हमारी बन करके बिल्कुल तैयार हो गई है। अब इसको हम सर्व करेंगे और सर्व करने से पहले हम लगे हाथ पूड़ियाँ सेक लेंगे, क्योंकि कद्दू खाने का मज़ा पूड़ियों के साथ ही आता है। अगर आप पूड़ी नहीं सेक रहे हैं तो आप जो है पराँठे सेक लें, सिंपल पराँठे। पराठों के साथ भी कद्दू खाने में बहुत ही यम्मी लगता है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, एकदम टेस्टी लगता है। देखिए, पूड़ियाँ भी हमारी एकदम फुली फुली बन रही हैं। ये वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द लेकर के आऊँगा कि फुली हुई पूड़ियाँ कैसे बनाएं, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि हमारी पूड़ियाँ फूलती नहीं है जैसे ही हम बनाना शुरू करते हैं। तो उस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा बहुत ही सारे टिप्स और ट्रिक्स, जिससे हम फुली फुली पूड़ियाँ बना सकते हैं, जिनमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ईज़िली हमारी बन जाएंगी। गर्मा गर्म और बिल्कुल एकदम फुली फुली पूड़ियाँ बनकर के रेडी हैं, आइए सर्व करते हैं। कद्दू की ये रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए।
आइए अब आपको मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और बढ़िया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।